नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज मैं जो आपसे कुछ सीक्रेट बताने वाला हूँ गेंदे के लिए, गेंदा हमारे जो गार्डन में चार चांद लगाते रहता है 12 महीने और बड़ी खुशी देते रहता है, उसके जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। चाहे कोई भी सीजन हो, गर्मी, बरसात, सर्दी, कुछ भी हो, ये 12 महीने आपको खुश रखता है। तो इस फ्लावर के लिए, इस प्लांट के लिए एक अलग से हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो चीज़ हमें 12 महीने कुछ ना कुछ देती है, तो क्यों ना उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये मेरे गेंदे की सीडलिंग आप देख रहे हैं, और मैंने इनको पोली बैग में ग्रो किया हुआ है। जब ये छोटे छोटे से प्लांट थे, तो मेरे रिलेटिव के यहाँ से इनकी पौध आई थी छोटी छोटी सी, तो मैंने उनको कुछ इस तरह से पोली बैग में भर के रख दिया था। और ये ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी मात्र केवल 1 महीना ही इनको हुआ है। तो इसी 1 महीने में ही ये मैंने लगाए हैं, इसी 1 महीने में ही मैंने इनकी कटिंग भी की थी, और ये कटिंग आप देख भी सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने इनकी कटिंग की थी, और इसी 1 महीने में ही कटिंग के बाद इन पर बर्ड्स भी आ चुकी हैं। अब मेरा एक एक्सपेरिमेंट करने का मन किया है, तो मैंने इसलिए वीडियो भी बना रहा हूँ। मैंने कुछ पौधों को इस तरह से दोबारा फिर से इनकी कटिंग कर दी है। ये देख सकते हैं आप, पहले एक बार नीचे से कटिंग की थी, और उसके बाद ये मैंने दूसरी ऊपर से कटिंग कर दी है, और कुछ पौधों को ऐसे ही छोड़ दिया है बिना कटिंग के। अब इससे क्या होगा कि मैं रिजल्ट जानना चाहता हूँ कि एक बार कटिंग करने से क्या रिजल्ट मिलता है, और दो बार कटिंग करने से क्या रिजल्ट मिलता है। क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी किया है, एक ही बार कटिंग करके गेंदे से फ्लावरिंग पाई है, और मैं उसका रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। आइए चलते हैं। ये मेरे गेंदे के वो पौधे हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था कि एक बार कटिंग से मैंने इनसे एक एक पौधे से 200-300 पौधे पाए हुए हैं, और आज भी वो आपको कटिंग दिख जाएगी। ये देखिए, जो कट मैंने लगाया था वो आज भी दिख जाएगा आपको। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये कट था वो जो मैंने एक ही बार लगाया था पौधे में, और 200-300 फ्लावर इन पर आए हुए हैं। तो ये गेंदे हो गए, इसके अलावा कुछ और भी गेंदे हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, एक पौधा मैंने उन्हीं में से लगाया हुआ था, ये भी एक ही बार कट किया है, और इस पर चारों तरफ से ब्रांचेज निकली हुई हैं, और इस पर भी फूल आने वाले हैं। और इधर भी कुछ आप गेंदे के प्लांट मेरे देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो ओरिजिनल वाला गेंदा होता है, जो सबसे पहले हम देखा करते थे अपने बचपन में, हमने बहुत कुछ देखा है इसको, तो ये वो वाला गेंदा है। इसमें भी एक ही बार कट किया था, और उसके बाद से ये इसकी आप रिजल्ट आपके सामने है। तो इस तरह से अगर आप अपने गेंदे के पौधे से हजारों फूल लेना चाहते हैं, ये देखिए, ये मैं आपको टॉप सीक्रेट बता रहा हूँ। जो नर्सरी में हम जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक एक छोटे छोटे से पौधे पर ही काफ़ी सारे फूल आए भी रहते हैं, तो ये वो टॉप सीक्रेट है। वो क्या करते हैं, एक बार कटिंग के बाद उसमें फर्टिलाइज़र देते हैं, और फिर वो फर्टिलाइज़र देते ही पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है। लगभग 8-10 दिन में वो फिर दोबारा बडिंग पर आ जाता है। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, दोबारा फिर उसकी कटिंग करते हैं। जैसे एक बार करने के बाद ये दोबारा फिर मैंने की है, वैसे ही कटिंग वो भी करते हैं। तो ये कटिंग करने से क्या होगा, अब इसमें 8-10 और ब्रांचेज निकलेंगी, और वो ब्रांचेज निकलेंगी तो उन पर उतनी ही फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी, और आपका जो पौधा है वो फूलों से खिल उठेगा। तो ये मेरा टॉप सीक्रेट था आज की इस वीडियो में। तो अब एक काम और मैं बता देता हूँ आपको, जो नर्सरी वाले करते हैं ये कटिंग के बाद, वो काम है कि इस तरह से एक पौधे की बराबर में थोड़ा सा दूर में एक होल बनाते हैं, इस तरह से। ये एक होल यहाँ पर देखो, इस तरह से बना लेते हैं वो, और इस होल को बनाने के बाद ये देखिए, इस तरह से कुछ होल बना लेते हैं, और इस होल को बनाने के बाद वो कुछ
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसका वो प्रयोग करते हैं वो ये है। इसके प्रयोग से वो अपने पौधे को एकदम से बूस्ट देते हैं और ये DAP है। हालांकि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें मैं कर लेता हूँ। तो ये DAP है और इसके 8-8, 10-10 दाने वो इन जो छेद हमने किए हैं अभी उनमें वो इस तरह से डाल देते हैं और डालने के बाद ये ऊपर से ढक देते हैं। जितने भी प्लांट कटिंग करने के बाद दोबारा ग्रो करते हैं तो इस तरह से उनमें ये पौधे 8-10 जो बीज हैं वो सॉरी जो दाने हैं वो डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, डालने के बाद अब थोड़ा सा पानी दे देंगे तो इससे जो बूस्ट है वो एकदम से पूरा ज़्यादा आएगा, जो आपका गेंदा है वो खिल उठेगा। तो ये मेरा सीक्रेट था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको आनंद आया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आती रहेंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।